नमस्कार दोस्तों, कुमकुम भाग्य का आने वाला एपिसोड आप लोगों के लिए वाकई में काफ़ी दिलचस्प देखने को मिलेगा, जब आप लोग देख पाएंगे कि किस तरीका से एक बार फिर से आप लोगों के बीच में देखने को मिलेगा कि प्राची के खिलाफ बार बार रिया भड़काती हुई नजर आ रही हैं इस समय रणवीर को, क्योंकि वो रणवीर को इसलिए भड़का रही हैं ताकि रणवीर गुस्से में आकर प्राची से बदतमीजी करे, और बदतमीजी होने के बाद में इन दोनों का जो आपस में एक दूसरे के प्रति प्यार है वो पूरी तरीका से ख़त्म हो जाए। आप लोग जानते ही हैं कि ये सब कुछ जानबूझ कर आलिया करवा रही है रिया से, क्योंकि आलिया ये जानती है कि अगर इन दोनों के बीच में गलतफहमी हो गई तो उसका पूरा फायदा मिलेगा रिया को, और रिया को ये फ़ायदा मिला तो वाकई में इस चीज़ के लिए तो वो खुद ही चाह रही है आलिया की कम से कम इन दोनों के बीच में फाइट हो जाए। दोस्तों आप लोग जानते हैं कि इस फाइट से कितना बड़ा फ़ायदा होने वाला है आलिया और रिया को, क्योंकि दोनों के बीच में जो गलतफहमी का बीज बो रही हैं इस समय आलिया, इसीलिए बो रही हैं और पल्लवी को अब भड़काती हुई नज़र आने वाली हैं प्राची के खिलाफ। जी हाँ, क्योंकि पल्लवी से बोलती हुई नज़र आएंगी कि पल्लवी अभी से ही, इनकी तो शादी भी नहीं हुई लेकिन सिड और प्राची तो एक दूसरे के साथ में अभी से ही काफ़ी ज़्यादा मस्ती करते हुए नज़र आ रहे हैं, क्योंकि प्राची के लिए ऐसा चीज़ माइंड में डाल रही है पल्लवी के में ताकि पल्लवी ज़्यादा ही डाउट करने लगे इस समय प्राची के ऊपर। साथ ही दोस्तों आप लोगों को बता देना चाहता हूँ कि आने वाला एपिसोड आप लोगों के बीच में देखने को मिलेगा कि इधर पल्लवी बोलती हुई नज़र आने वाली है कि इन दोनों की लाइफ है, इसमें हम कोई इंटरफेयर नहीं कर सकते, क्योंकि इन दोनों के बीच में जो भी कुछ है वो उनकी पर्सनल चॉइस है, पर्सनल थिंकिंग है, इसमें हमारा इंटरफेयर करना भी सही नहीं होगा। क्योंकि दोस्तों आप लोग जानते ही हैं कि आलिया और रिया पूरी तरीका से अपने प्लान में कामयाब हैं अभी तक तो। साथ ही दोस्तों मेरा नाम है रोहित नागर, चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद में वीडियो को लाइक करें एंड कमेंट करके आप लोग मेरे को ज़रूर बताएं कि आपको मेरी वीडियो कैसी लग रही है। एंड थैंक यू सो मच गाइज कि आपने मेरे को इतना सपोर्ट किया है। लव यू गाइज।